नगर के गोपाल गौशाला में गलवान घाटी में शहीद हुए भारतीय जवानों की याद में पौधारोपण किया गया। वहीं अंचल के सबसे पुराने गौशाला को हरा भरा बनाने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर छायादार व फलदार पेड़ जैसे आम, जाम, जामुन, नीम व अनेक प्रकार के पौधे लगाए गए। समाज सेवी संस्था के द्वारा प्रति वर्ष बारिश में पौधे लगाने का एक अभियान चलाया जाता है। इसी के मद्देनजर इस वर्ष भी बारिश काल में इस अभियान की शुरुआत हो गई और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। YSS के सदस्य संभव आपना जो कि 15 साल के हैं, उन्होंने भी अपने जन्मदिन पर एक छायादार पौधा लगाया और देखरेख की जिम्मेदारी ली। इसमें समाज में एक अच्छा संदेश भी गया, लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। संगठन के अध्यक्ष अजय गोयल ने बताया कि बिगड़ते हुए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर व्यक्ति को अपने आस पास एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। इन पौधों को लगाने से लेकर बड़ा होने तक सुरक्षित रखने का संकल्प भी लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज पर्यावरण और भूजल स्तर को बचाने के लिए हम सबको पौधा लगाना बहुत जरूरी है। इस नेक कार्य में संस्था के कौशल अग्रवाल, प्रदीप बंगानी, अभिजीत चौधरी, संभव पापना, हेमंत आसानी, जितेंद्र यादव के साथ ही महानदी बचाओ अभियान समिति के भी सदस्यगण एवं गोपाल गौशाला के मैनेजर ठाकुर एवं कर्मचारी बल्ला सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। भारत माता की जय। ऐसे तो YSS ग्रुप की तरफ से रोज ही कोई ना कोई प्रयास नया किया जा रहा है, पर अभी हाल में ही गलवान घाटी में जो शहीद हुए हैं उन सैनिकों की याद में कोई दीपक जला रहा है, कोई कुछ सराहनीय कार्य कर रहे हैं, पर ये YSS ग्रुप नवापारा राजिम वृक्षारोपण के द्वारा उन शहीदों को एक नई श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऐसे तो उन सैनिकों की क्षति को कुछ भी करके पूरा नहीं किया जा सकता, पर ये हमारे YSS ग्रुप के छोटे छोटे बच्चे हैं जो वृक्ष लगा के उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ताकि आने वाले बच्चों के लिए और जो भी इस संस्था से जुड़े हैं उनके लिए एक यादगार बनी रहे कि हमने उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक नया प्रयास किया था। YSS ग्रुप के मेंबर होने के नाते मैं आपको एक ही संदेश देना चाहूँगी कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, जैसे कि अभी जो आपदाएं, जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं उसको देखते हुए मुझे, मैं एक संदेश देना चाहती हूँ आपको कि जितने ज़्यादा पेड़ पौधे आप लोग लगाओगे उससे हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध होगा, और जो हमें जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो भी इससे पेड़ पौधे लगाना सीखेगी, जो कि बिल्कुल, मतलब पेड़ पौधे लगाना अभी की जनरेशन में बिल्कुल कम होते जा रहा है। तो हम लोग ने एक YSS ग्रुप के द्वारा एक नया प्रण लिया है कि जितने ज़्यादा ज़्यादा पेड़ लगाएंगे और हरियाली फैलाने का, और आज जो पौधा जो हमने लगाया है ये जो गलवान घाटी जो है उसका, उसमें जो शहीद हुए जो सैनिक हैं, जवान हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लगाया है। और आज हमने प्रण लिया है कि जो आज पौधा लगाया है इसको हमने पेड़ बनाते तक हम इसकी सेवा करेंगे, रक्षा करेंगे। थैंक यू। मैं कौशल अग्रवाल, नवापारा का निवासी, गलवान घाटी में शहीद जवानों को मेरा नमन है, और उनकी याद में आज गोपाल गौशाला नवापारा नगर में युवा शक्ति संगठन द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। वृक्षारोपण, मैं आपसे अपील भी करता हूं कि आप भी सब वृक्षारोपण कीजिए और पेड़ ऐसा लगाइए जो सुरक्षित रहे, सही रहे, और हो सके तो फलदार वृक्ष लगाइए जो आने वाली पीढ़ी के काम भी आए। गलवान घाटी में हमारे देश के जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके श्रद्धांजलि में के साथ साथ बदलते हुए पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमारी संस्था युवा शक्ति संगठन YSS नयापारा द्वारा गोपाल गौशाला नयापारा राजिम में आज वृक्षारोपण किया जा रहा है। हम चाहते हैं लोगों से भी कि वो समय समय पे अपने अच्छे अच्छे जगहों का चयन करके वृक्षारोपण करें, ताकि पर्यावरण सुरक्षित रहे, आप और हम सब सुरक्षित रहें। यही हमारे युवा शक्ति संगठन नयापारा का मुख्य उद्देश्य है। कोरोना से जंग अब भी जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है। ऐसे में बार बार नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, अब खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप।
फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल nationupdate.in।